हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टाइल मार्बल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क टीवी। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। जी तो व्यूअर्स, आज आपके लिए एक ग्लास डोर लॉक लेके आए हैं जी, शीशे के दरवाजे में लगने वाला ताला। तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है आपके सामने, ये कैसे लगता है ये देखें। ये इसके पार्ट्स हैं जी, इनको जोड़ लेते हैं पहले। तो सामने जो है वो शीशा है, शीशे का दरवाज़ा आप समझ लें। तो ये देखें, ये स्पैंडल है, ताले का अंदर वाला हिस्सा है। तो ये आपके सामने लगाया जाएगा, देखें कैसे लगता है। ये देखें, ये जो है वो दोनों जो सुराख हैं, ये 45 mm डाई के जो है वो सुराख हैं। 45 mm का डाया है दोनों सुराखों का, जो शीशे में हुए हैं लगाने के लिए ताला। तो ये ताला रख के इसको स्क्रू लगाए जा रहे हैं। एक जो है शीशे के यानी दरवाज़े की एक तरफ रखा है और दूसरा हिस्सा जो है दूसरी तरफ रख के इसको स्क्रू लगाए जा रहे हैं। ये देखें, दो स्क्रू थे, दो पेच हैं, तो उनको टाइट किया जा रहा है। ये दो जो है काले रंग के स्क्रूज हैं। ये सारी चीज़ें जो जो ताला आता है, फिटिंग आती है, उसके साथ ही डब्बे में आती हैं। तो ये स्क्रू लग गए हैं, तो टाइट करने से पहले इसका बैलेंस देख लेना है, अलाइनमेंट जो यानी बिल्कुल सीधे हों, उसके बाद टाइट करें। और जब टाइट करेंगे तो ये लेवल में होना चाहिए जो ताला है, ये नहीं कि अगली तरफ से वो बैठा हो या पिछली तरफ से उठा हो ऐसे। तो ये देखें, ये हल्की थी, इसके साथ जो है वो फिटिंग में ही आती है, डब्बे में जो इसकी फिटिंग आती है उसके साथ ही ये की भी आती है स्क्रूज टाइट करने के लिए, पेचों को टाइट कर, ये पेचों को टाइट करने के लिए साथ ही उसी डब्बे में ये हल्की भी आती है। तो पेच टाइट हो गए, लेवल में रख के सामने जो इसकी पतरी है वो लेवल में हो, जब दूसरा दूसरी साइड लगाई है तो लेवल में वो लगाई जाए टाइट करके। ये स्पैंडल है, तो ये स्पैंडल को टाइट कर लेते हैं, ये जो लॉक स्पैंडल है, ताले का अंदर वाला ऐसा जिसमें चाबी घूमती है। ये देखें जी, स्पैंडल लग रहा है, इसको एक बुलेट लगता है, वो बुलेट लगाना है। जो इसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो सारी पैकिंग में ही आती हैं ताले के साथ। तो स्पैंडल का एक छोटा सा बुलेट होता है, नट जिसे कहने। तो ये देखें, ये देखें जी, स्पैंडल लग गया जी। अब इसका जो पेच है उसको एक बुलेट, एक ये पेच लग जाएगा, ये बल्कि बुलेट है। ये देखें, ये अब देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बुलेट और वो इसकी पेच वगैरह जो सब पैकिंग में ताले के साथ ही आते हैं, ये निकाला जा रहा है। पेच लग जाएगा, ये पेच लग गया, स्पैंडल का पेच है, इसे टाइट कर लिया जाएगा। ये टाइट हो रहा है अभी हल्की के साथ, हल्की के साथ अगर ना हो तो पेच कस ले लें जो फिक्स होता हो, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो हमने जो शीशा था वो बाहर निकाल लिया है, ये एलगी के साथ ही जो टाइट हो रहा है।
नॉर्मली चीज़ फिक्स होती है तो वो वहीं टाइट हो जाता है। ये लें जी, ये जो ये इसकी इसको लेवल में कर लिया, अलाइनमेंट कर ली है ये पेज के साथ। यहाँ जो स्पैंडल है उसको सीधा कर लेंगे। ये ऊपर से निकालना था, कवर डालना है अभी, तो ये देखें ये ताले का जो है ना कवर आ गया, जो बाहर वाला मेन कवर था ये मेन कवर आ गया। ये देखें, ये अब इसको जो है वो दो पेज लगते हैं वो लगाएंगे। ये इसकी फिटिंग थी फ्रंट साइड पे, जहाँ कवर और जो ताला का अंदर वाला हिस्सा है वो आपस में जुड़ते हैं यहाँ से। तो ये फिटिंग का जो पीस है वो लगा के नीचे दो फ्रंट पे पेज लग रहे हैं और दो इस साइड पे लगेंगे लेफ्ट साइड पे। ये जो लॉक का ऊपर वाला हिस्सा है अभी कवर के ऊपर हमने निकाला था कवर लगाने के लिए, उसे वापस जो है वो अपनी जगह पे टाइट कर देंगे। ये देखें जी, एल्की के साथ ये सारी चीज़ें जो जो एल्की यूज़ हो रही होती है नॉर्मली फिटिंग के साथ ही होती है। ये देखें अब स्पैंडल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ये दूसरी तरफ वाला कवर भी लग गया, वो कवर भी लगा रहे हैं। देखें सेम एज इट इज़ फिटिंग उस तरफ से भी होगी जैसी यहाँ से थी, तो कवर जो है प्रॉपर बैठ गया हुआ है जहाँ उसे लगाना था वो यानी फिक्स हो चुका हुआ है। तो अब इसके जो है वो हैंडल की दस्तियाँ निकालते हैं, हैंडल यानी दस्तियाँ जो होती हैं वो निकलती हैं डब्बे से, वो निकालेंगे हम। उसकी जो पैकिंग में भी सारी चीज़ें साथ ही आती हैं, उसमें एक स्पैंडल होता है जो उन दोनों के दरमियान, एक बार होती है ये दोनों साइडों के दरमियान, ये दस्ती ये बार है, तो ये सुराख में डाली जाएगी सामने। ये देखें फिर जो है वो सामने एक जो दस्ती है वो इस साइड से जो अंदर दाखिल की जाएगी, और दूसरी तरफ से ये टाइट कर लेंगे इसको डालने के बाद एल्की के साथ ही। ये देखें जी, ये गई अंदर दूसरी तरफ से, अरे ये आ गई। इसके साथ इसके दो पेज भी आए हुए हैं, काफ़ी लंबे पेज हैं जो दोनों को दोनों तरफ यानी पहुंच जाते हैं लगने के बाद। ये पेज हैं ये जी, ये देखें। तो ज़रूरत के मुताबिक हम इन्हें जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं। तो अब ओवरसाइज़ होते हैं नॉर्मली वो शीशे की थिकनेस के लिए, कि शीशे की जो थिकनेस है वो कितनी है कितनी नहीं है, तो उसको रख के एक उन्होंने ओवर साइज़ बनाए होते हैं, तो अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है जो पेज हैं। तो ये देखें, ये शायद लग नहीं रहा, ये लग गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉपर बैठा नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो शायद जो जो इसके पेचों वाले सुराख हैं वो प्रॉपर खुले हुए नहीं हैं, तो इसे हाँ जी इसलिए नहीं बैठ रहा। दूसरा भी काट के रखा हुआ था ओवर साइज पेज जो है, नहीं प्रॉपर बैठ नहीं रहा, ये निकालना पड़ेगा फिर। ये
देखें, टाइट तो किया है, अब देखते हैं टाइट पूरा होता है या नहीं। शायद ये अपनी जगह पे जो इसका प्ले है वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ सख्त है, ये लूज़ है, वो जो पेज लगाए हैं वहाँ से लूज़ है, तो शायद ये निकालना पड़ेगा। लें जी, ताला लग के तैयार हो चुका है, ताला अपनी जगह प्रॉपर बैठ गया हुआ है। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ टाइल मार्बल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।